अभी आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने वायरिंग लगाई है, आप देख सकते हैं इसकी। This video is sponsored by JLCPCB.com. So JLCPCB is the world largest manufacturer of PCBs in China. So if you want to make high quality professional PCBs from China, visit JLCPCB.com. Link in description. Assalamualaikum everyone, this is me Syed Maaz Gilani और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल Maaz Electronics। दोस्तों एक ऐसी किट लेके आया हूँ जो आज तक आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगी। इस किट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन भी देगी, साथ साथ आपकी बैटरी को खराब होने से भी बचाएगी। आपको पता है मार्केट में जितने भी 1000 वाट, 500 वाट, 2000 वाट, 3000 वाट के 12 वोल्ट के जो भी इन्वर्टर मिलते हैं उनके अंदर रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन अक्सर के अंदर नहीं होता। तो इस सर्किट को लगा के आप अपने रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं और साथ साथ अपनी बैटरी को डेड होने से बचा सकते हैं। ये सर्किट जो है ओवर डिस्चार्ज होने से भी बचाएगा, साथ साथ आपके इन्वर्टर को, महंगे इन्वर्टर को जो है रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन से बचाएगा। यानी कि रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन से इस तरह बचाएगा कि अगर आपका इन्वर्टर जो है कि तारें उल्टी लग जाती है वो सड़ जाता है, जिसके अंदर रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन नहीं होती वो खराब हो जाता है। तो ये सर्किट अगर आप उसके साथ लगा लेंगे तो आपका इन्वर्टर जो है खराब होने से बच जाएगा और रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन से ये होगा कि आपका इन्वर्टर कभी भी खराब नहीं होगा अगर बच्चे जो है उल्टी तारें लगा देते हैं। तो आज हमने ये बनाया है मुकम्मल सर्किट। इसको बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है, किस तरह बनाया है, कौन से पीसीबी है, तो आज की पीसीबी स्पॉन्सर की है हमें जीएलसी पीसीबी ने। आपको पता है जीएलसी पीसीबी पाकिस्तान की वाहिद एक ऐसी कंपनी है जो कि हाई क्वालिटी पीसीबीज बनाती है। तो उन्होंने भेजा, उन्होंने हमें बहुत ही कमाल की पीसीबीज इस जो है पोलैरिटी प्रोटेक्शन बोर्ड के लिए, बैटरी प्रोटेक्शन बोर्ड के लिए। तो जीएलसी पीसीबी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से चाहे इसको विजिट कर सकते हैं। $2 के अंदर 5 पीसीबीज बनवा सकते हैं। तो अब मैं टाइम को ज्यादा जाया नहीं करूंगा, हम इस सर्किट को पहले मुकम्मल रेडी करेंगे, फिर इसको इन्वर्टर के ऊपर टेस्ट भी करेंगे और साथ साथ आपको उल्टी तार लगा के चेक कराऊंगा कि इन्वर्टर खराब होता है या नहीं। टाइम को ज्यादा नहीं करते, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। First of all guys, I will show you how to order PCBs from JLC PCBs website. JLC, this is JLC PCB website. You can order any kind of PCB from JLC PCB. You can also use JLC PCB services like PCB assembly, 3D printing and SMT stencil services from JLC PCBs. And you can also add Gerber file on your JLC PCB website and you can change your parameters of your PCB according to your need and its quantity, color, PCB color and its shipping method. Like if you need low budget shipping, you can change according to your budget and you can order it from JLC PCBs and submit your order by say click on save to cart. तो लीजिए दोस्तों, एक हफ़्ते बाद ही हमें मिल जाती है जीएलसी पीसीबी से जो है पीसीबीज और जल्दी से इसको ओपन करते हैं और ओपन करते ही आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल की हाई क्वालिटी पीसीबीज इसमें से निकली हैं और प्रोफेशनली मेड है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जीएलसी पीसीबी का अपना लोगो जो है बना हुआ है, हमने जो है इसके ऊपर लोगो डिज़ाइन किया था, साथ में स्टेंसिल वगैरह देख सकते हैं कितने बेहतरीन बने हुए हैं, बेहतरीन क्वालिटी की बनी हुई है। बैक साइड में शोल्डर मास्क भी आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन बना हुआ है और इसको जितना मर्जी ज़ोर लगा लें ये टूटने नहीं वाली। मैं अपना फुल ज़ोर लगा रहा हूँ इसको तोड़ने के लिए, फिर भी ये जो है टूट नहीं सकते क्योंकि ये फाइबर शीट के ऊपर बनी होती है और फाइबर शीट पे जो भी पीसीबी बनी होगी वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। यानी कि अगर आपका सर्किट का खुदा ना खास्ता गिर भी जाए फिर भी टूट नहीं वाला। तो अभी इसको बनाने के लिए जो कंपोनेंट जरूरत है वो बताया था। तो सबसे पहले IRF 14040 हम इस्तेमाल करने वाले हैं, 2 पीस A और 2 पीस IN 4148 इस्तेमाल करने वाले हैं, उसके बाद 1 पीस 78L05 इस्तेमाल करना है, उसके बाद जो है 4 पीस जो है 1N4007 डायोड इस्तेमाल करने हैं, उसके बाद 22K रेजिस्टेंस इस्तेमाल करनी है और उसके बाद 1.2K इस्तेमाल करनी है रेजिस्टेंस जितनी बोर्ड में लगी हुई है, और उसके बाद 3.3K जो है रेजिस्टेंस इस्तेमाल करनी है, ये सारी डिप में है, और 10K की रेजिस्टेंस इस्तेमाल करनी है इसको बनाने के लिए, और उसके बाद 1K के एक रेजिस्टेंस इस्तेमाल करनी है, और उसके बाद जो हमें एक 10K का वेरिएबल चाहिए ताकि हम वोल्टेज के एडजस्टमेंट कर सकें, और उसके बाद एक C945 चाहिए ताकि हम अपने आउटपुट को कंट्रोल कर सकें, और एक IC चाहिए LM358 ताकि मुकम्मल बोर्ड को कंट्रोल कर सके, हमारी LEDs वगैरह सब चीज़ें, और LEDs इस्तेमाल करेंगे 3, और उसके बाद जो है 2 कैपेसिटर हैं 4.7 UF के और 100 UF का कैपेसिटर। सब चीज़ों को अब कर देंगे सोल्डरिंग करने के बाद हमने इसको करना है टेस्ट कि आया ये बैटरी प्रोटेक्शन सर्किट और रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन सर्किट काम करता है या नहीं।
तो लीजिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मुकम्मल सर्किट रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने इसके साथ दो वायर लगाई हुई है, एक पॉजिटिव नेगेटिव है जो कि नए इनपुट के लिए है। यहाँ पर हम जो है अपनी बैटरी की तारे लगाएंगे। ये आउटपुट की तारे हैं जहाँ पर हम अपना इन्वर्टर अटैच कर सकते हैं, कोई भी 12 वोल्ट अटैच कर सकते हैं लोड। साथ वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसके जरिए आप अपने हिसाब से कट ऑफ वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं, कितने वोल्टेज पर आपने अपनी बैटरी को कट करा देना है। साथ में 3 LEDs लगी हुई है यहाँ पर। इन 3 LED का मतलब ये है कि ये बैटरी लो की इंडिकेशन की जो है LED है, और ये ग्रीन जो है ये आपकी जो है ओके, यानी कि बैटरी ओके है, आउटपुट ओके है, उसकी LED है। और साथ में एक और LED है जो कि रेड है, फॉल्ट की है। जब रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन होगी तो रेड LED जल जाएगी। तो अब जल्दी से इसके साथ इन्वर्टर अटैच करते हैं और फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ कि आया ये सर्किट किस तरह काम कर रहा है और ये ओके काम भी करता है। तो लीजिए दोस्तों, अब आ चुका है जी ये इन्वर्टर जिसके ऊपर हमने अपने इस किट को चेक करना है। आप देख सकते हैं ये है जी 2000 वाट का इन्वर्टर। इसके अंदर सबसे बड़ा जो है नुक्स ये है कि इसके अंदर रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन नहीं है कंपनी की तरफ से दी गई। तो मैं जो हूँ इसके साथ ये किट लगा के इसको रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन भी बना लूंगा और साथ साथ अपनी बैटरी को भी प्रोटेक्ट कर लूंगा, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है खासतौर पर हमारे किसी भी इन्वर्टर को रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन से भी बचाएगा और साथ साथ हमारी बैटरी को भी बचाएगा, यानी कि एक तीर से दो शिकार करेगा। और बहुत ही कमाल की किट है। अब मैं इसको किट को अपने जो है इन्वर्टर के साथ लगा लेता हूं। पहले मैं आपको सिंपल जो है पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगा कर, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगा कर चेक कराऊंगा। उसके बाद फिर पोलैरिटी जो है हम चेंज करेंगे ताकि हमें चेक हो कि आया हमारा इन्वर्टर खराब हो गया है या नहीं। तो मैं इसको जल्दी से यहां पर फिट कर लेता हूं और उसके बाद फिर हम इसको टेस्ट करते हैं। मैंने इसको लगा लिया है पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगा लिया है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगा लिया, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको अपनी बैटरी के साथ भी अटैच करूंगा। तो बैटरी ये आ चुकी है जी वायर, इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और नेगेटिव को भी लगा लेता हूँ। और जैसे ही मैंने लगाया, आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन कलर की लाइट जो है जलने लग चुकी है। इसका मतलब जो है ग्रीन लाइट के ऊपर हमारी आउटपुट ओके है। जैसे मैं उल्टी तारे लगाऊंगा तो ये रेड LED जलेगी जब पोलैरिटी उल्ट होगी, और जैसे ही बैटरी लो होगी तो इसकी येलो वायर चलेगी। अब मैं इसको चला के चेक करता हूँ जी, 3, 2, 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो है इन्वर्टर बेहतरीन तरीके से चल रहा है। हमारे इन्वर्टर से जो है वोल्टेज इस किट से होते हुए हमारे इन्वर्टर में जा रहे हैं। उसके बाद इसके एम्पेयर भी चेक कर लेते हैं, आखिर हमारा इन्वर्टर कितने एम्पेयर ले रहा है, क्योंकि अभी तो छोटा बल्ब ही चलाया है, एम्पेयर कम ही ले रहा होगा। तो अभी जो है मैक्सिमम 1.5 एम्पेयर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं 1.5 एम्पेयर ले रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ तो ये भी ज़ीरो हो जाते हैं। तो 1.5 एम्पेयर है, और यहाँ पर चेक कर लेते हैं कितने एम्पेयर हैं, यहाँ पर भी कम से कम 1.5 एम्पेयर ही है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हमारी किट ये बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और इससे जरिए हमारा बल्ब जो है चलने लग चुका है। और जैसे ही मैं इसको बंद करूँगा, आप देख सकते हैं बंद भी हो जाएगा। अब हम इसको उल्टी तारे लगाकर भी चेक करते हैं। तो चलिए जी, अब मैं करने लगा हूँ जी इसकी पोलैरिटी को चेंज। अब जो है मैं पॉजिटिव की जगह उधर नेगेटिव लगा रहा हूँ, नेगेटिव की जगह उधर पॉजिटिव लगा रहा हूँ। और जैसे ही मैं इसको लगाता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रेड लाइट ग्लो हो चुकी है। और रेड लाइट ग्लो होने का मतलब ही ये है कि भाई आपका ये प्रोटेक्शन ऑन हो चुकी है। आपको मैं नज़दीक करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड लाइट ऑन हो चुकी है, ग्रीन भी बंद है, येलो भी बंद है। इसका मतलब फॉल्ट की LED जल रही है। और अगर मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये बिल्कुल भी ऑन नहीं होता हमारा इन्वर्टर। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, दोबारा मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं मैं इसको यहाँ से ऑन ऑफ करता हूँ, ये ऑन नहीं होता। और जैसे ही मैं इसकी पोलैरिटी को यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर मैं नेगेटिव कर देता हूँ, और उसके बाद जहाँ नेगेटिव है वहाँ पर पॉजिटिव कर देता हूँ तो यहाँ पर ग्रीन लाइट दोबारा जल जाती है। आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है, और जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ ये ऑन हो जाता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इस जो है सर्किट की। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद जो है इस किट के जरिए मैंने आपको दिखा दिया किस तरह रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन काम करती है और किस तरह जो है ये आपकी बैटरी को वोल्टेज को जो है आपकी बैटरी को डेड होने से भी बचाता है। तो 2-in-1 सर्किट है आपके घर के लिए, आपकी महंगी इक्विपमेंट के लिए जो 12 वोल्ट भी चलती है उनके लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो अगर तो आप इस PCB को जो है डिज़ाइन करना चाहते हैं या इस PCB बनवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने JLC PCB का, वहाँ से इस तरह की हाई क्वालिटी प्रोफेशनल PCB बनवा के अपने लिए कोई भी सर्किट रेडी करवा सकते हैं। तो अगर तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, मुझे जो बताना है, और वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट में बताना है कि ये किट कैसी लगी है और इसकी किट के जरिए आप कौन सी अपने प्रोडक्ट को जो है प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूंगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।